हेलो बच्चों, वेलकम टू अभियंता मैथ्स। आपका क्यूट सा चैनल अभियंता मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और बिहार पुलिस और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम का मैथमेटिक्स देखेंगे, ठीक है ना। एलसीएम एचसीएफ जो चल रहा था, जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, लेक्चर दो तक ऑलरेडी हो चुका है। लेक्चर तीसरा हम लोग आज देखेंगे। क्या देखेंगे? लेक्चर थर्ड। एलसीएम एंड एचसीएफ चल रहा था, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त तक चल रहा था, है ना। उसी को कंटिन्यू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन पहले आपके पास पहुंचे, अगर कोई नया वीडियो अपलोड होता है तब, ठीक है। टाइप चार तक ऑलरेडी कर चुके थे हम लोग, टाइप पांचवा देखेंगे। क्या देखेंगे? टाइप पांचवा देखने वाले हैं। कौन सा टाइप? टाइप फिफ्थ, है ना। टू पे पावर थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव पे पावर टू इंटू सेवन कॉमा टू पे पावर फाइव इंटू थ्री पे पावर टू इंटू फाइव इंटू सेवन पे पावर टू तथा टू इंटू थ्री पे पावर थ्री इंटू सेवन इंटू फाइव पे पावर फोर इंटू इलेवन का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को? एलसीएम निकालना है, है ना। प्रीवियस लेक्चर में बता दिया गया था, सुनिए थोड़ा ध्यान दीजिए। हमको इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, है ना। एलसीएम में बताए थे, देखो सॉल्यूशन इसका। और हम लोग दो सेकेंड के अंदर कैलकुलेशन करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। देखिए ये लिखा गया है, पहला टर्म ये है, ठीक है ना, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तीनों का हम लोग को क्या निकालना है? एलसीएम। सुनो, एलसीएम में क्या बताए थे? ज्यादा पावर वाला एलसीएम कहलाता है। ज्यादा पावर वाला क्या कहलाता है? एलसीएम। देखिए इसको देखते हैं हम लोग। एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा, देखिए पहले टू लेते हैं, टू दिख रहा है, टू पे पावर ज्यादा देखो कहाँ पे है, टू यहाँ दिखा हमको, यहाँ दिखा और यहाँ दिखा। एलसीएम है तो ज्यादा पावर वाला लेंगे, टू पे पावर फाइव ले लिए, ठीक, इंटू। अब थ्री में चलेंगे, देखो थ्री यहाँ भी है, थ्री यहाँ भी है, थ्री यहाँ भी है, तो ज्यादा पावर वाला थ्री पे पावर थ्री है, उसी को कंसीडर कर लेंगे, इंटू थ्री हो गया। फाइव देखेंगे, फाइव पे पावर देखो, फाइव यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, हम लोग ज्यादा पावर वाला को कंसिडर करेंगे, फाइव टू दी पावर फोर, क्लियर। अब देखो सेवन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सेवन, सेवन यहाँ दिखा, यहाँ दिखा और यहाँ दिखा, ठीक है, तीनों में है। तो सेवन पे पावर ज्यादा वाला को लेते हैं, ठीक है। अब देखो सेवन के बाद क्या दिखा? इलेवन दिख रहा है, ठीक है, इंटू इलेवन एक ही है, इलेवन पे पावर वन एक ही है। देखिए एलसीएम में कॉमन जो रहता है उसका ज्यादा पावर वाला को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं और जो नहीं है उसको भी कंसीडर कर लिया जाता है। इट इज क्लियर, ठीक। एलसीएम हो गया ये, अब इसी का एचसीएफ निकालेंगे, है ना। आप लोग इसको राइट डाउन करिए, हम इसी में चेंज करेंगे, क्वेश्चन अलग कर देंगे, ठीक है। चलिए राइट डाउन हो गया होगा। दूसरा सवाल लिखिए, इतना का एचसीएफ क्या होगा? कितना का एच सी एफ क्या होगा? अब एच सी एफ के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एच सी एफ के लिए कम पावर को कंसीडर करते हैं। एच सी एफ के लिए क्या करते हैं हम लोग? कम पावर को कंसीडर किया जाता है। दो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो को पूरा देखिए, तब और क्लियरली समझ में आएगा। देखिए एचसीएफ में क्या करेंगे, तीनों में एक दो तीन लिख रहा है, तीनों में जो कॉमन होगा ना और कम पावर वाला वही कहलाएगा एचसीएफ। देखिए टू पे पावर थ्री यहाँ भी है, यहाँ भी है, टू पे पावर फाइव यहाँ भी है, टू ठीक तीनों में है। तो टू पे पावर कम बोले हैं, यहाँ कुछ नहीं तो वन समझेंगे, है ना। तो टू लिखा गया, टू पे पावर वन, कुछ नहीं तो वन समझेंगे। अब देखिए अब थ्री में जाओ, थ्री यहाँ है और यहाँ, तो कम पावर वाला ही हो गया, थ्री पे पावर कुछ नहीं तो वन समझेंगे, ठीक। इन टू फाइव देखते हैं, फाइव इसमें है, इसमें है, इसमें सब में है,
फाइव का पावर यहाँ पे देखो कुछ नहीं तो वन है, तो इसी को कंसीडर कर लेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, सेवन 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 दिख गया, कम पावर वाला यहाँ का है, यहाँ कोई भी ले लीजिए, सेवन पे पावर वन हो गया। ठीक है, इलेवन तीनों में नहीं, नहीं यही एचसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, दो तीन छह पच्चीस तीस सत्ते दो सौ दस आ गया। ठीक है, इतना ही रहता है, पावर के रूप में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, राइट डाउन करिए इसको। और हम लोग अगला तीसरा सवाल देखने जा रहे हैं टाइप फाइव का, एकदम बेसिक लेक्चर है और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ग्रुप डी हो गया, एमटीएस है, एसएससी के जितने भी एग्जाम है सब में पूछा जाता है, रेलवे का भी, इसलिए छोटा है लेकिन इसको क्या है, छोटा नहीं समझेंगे, अक्सर लोग गलती करते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल है टू पे पावर थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव पे पावर टू इंटू सेवन, एक हो गया ये। ठीक है, उसके बाद टू पे पावर टू थ्री पे पावर टू इंटू सेवन, ये हो गया दूसरा है, एवं एंड थ्री पे पावर फोर इंटू टू पे पावर टू इंटू फाइव इंटू सेवन पे पावर टू का मसन का मासा बोले तो एच सी एफ क्या है, एच सी एफ निकाले। ठीक है, ज्ञात करें, देखिए ध्यान दीजिए, आधा सेकंड ट्राई करिए आप लोग। चलिए देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, राइट डाउन करिए, एच सी एफ निकालना है। एच सी एफ के लिए क्या बोले, एचसीएफ के लिए क्या बोले कि जो कॉमन रहता है कम पावर वाला कंसीडर। तो देखो टू यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो पावर कम देखो यहाँ है और यहाँ, टू पे पावर टू ले लिए हो गया इंटू थ्री पे आइए, थ्री यहाँ भी दिखा, यहाँ भी दिखा और इसमें भी दिखा, तो कम पावर वाला यानी थ्री पे पावर क्या कुछ नहीं तो वन है, यहाँ वन ले लिए हम लोग। अब फाइव देखो, इसमें फाइव नहीं है, नहीं होगा। सेवन देखते हैं, हाँ तीनों में सेवन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी सेवन। ठीक है, इंटू सेवन पे पावर वन यहाँ भी है, यहाँ कहीं पे वाला कंसीडर कर लीजिए, अब नहीं होगा, क्लियर। अब टू पे पावर टू का मतलब फोर, थ्री पे पावर वन का मतलब थ्री, सेवन पे पावर वन का मतलब सेवन, चार किया बारह, बारह सत्तर चौरासी, ठीक है 84 आ गया आंसर। ठीक है, अब इसी सवाल में एलसीएम निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे एलसीएम, आप लोग अलग से लिखिए। चौथा चौथा सवाल क्या है, क्वेश्चन यही है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इसका लसा निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे लसा बोले तो एलसीएम। ठीक है, चलिए देखिए इसको आप लोग खुद से ट्राई करिए, थोड़ा सा सोचिए, आसान है। इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम में क्या बोले, जो मिलता है उसको भी लिखा जाता है, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखा जाता है, और ज्यादा पावर वाला लिखते हैं, है ना। चलो देखते हैं हम लोग एलसीएम, टू पे पावर यहाँ थ्री है, यहाँ टू है, यहाँ पे फोर, यहाँ टू है। ठीक है, टू पे पावर थ्री टू टू है, टू पे पावर थ्री को कंसिडर कर लिए, अब थ्री में आइए, थ्री पे पावर वन है, टू है, यहाँ पे फोर है, तो थ्री पे पावर फोर को कंसीडर करें, क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं फाइव वाला में, फाइव पे पावर टू है, यहाँ पे है ही नहीं, फाइव पे पावर फाइव, तो फाइव पे पावर फाइव हम लोग कंसीडर करेंगे, एक टू। अब सेवन में आइए, सेवन यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ, सेवन पे पावर टू को कंसिडर कर लेंगे, सारा इंक्लूड हो गया नंबर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इतना लॉन्ग रहता है ना, मल्टीप्लाई करने के लिए आपसे नहीं पूछेगा, दिस इज द आंसर। आई होप वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना। अब तो वीडियो को क्या करना है, पूरा देखना है, ठीक है, तब मजा आएगा, थोड़ा सा देखने में मजा नहीं आता है ना। राइट डाउन करिए इसको,
अब हम लोग अगला टाइप देखेंगे, ठीक है ना। कौन सा टाइप? टाइप सिक्स पोलोनोमियल रहेगा। क्या रहेगा? पोलोनोमियल रहेगा। कहने का मतलब एक्स पे पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। एक्स पे पावर 2, 3 इस टाइप से दिखेगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। इट इज क्लियर। तो टाइप सिक्स हम लोग टाइप फाइव तक ऑलरेडी देख चुके हैं। आई लेक्चर 3 चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएम का। अब हम लोग देखो पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा बहुपद, उसका हम लोग कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है, बने रहिए मेरे साथ। देखिए निकालना क्या है, समझो थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना। ये क्या दिख रहा है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है ना। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है। जब इस तरह का रहेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फैक्टोराइज, आफ्टर दैट यू कैन टेक कॉमन पावर जो भी है। देखिए ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है ना, इसको फैक्टोराइज करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, ठीक है, घटाएंगे आ जाएगा माइनस 2। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन लो, एक्स माइनस 2 हो गया ये दोनों में से। यहाँ पे कॉमन ले लो प्लस 1, कुछ नहीं मिल रहा है 1x माइनस 2। यहाँ से क्या आ गया x माइनस 2, दोनों में मिल रहा है x प्लस 1। देखो x माइनस 2 बाहर निकाल लिए, x बचा प्लस 1 हो गया। अब एक और जो बचा हुआ है टर्म उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकालते हैं, ध्यान दीजिए 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, फैक्टोराइज करिए। 4 3 12 है ना, 3x स्क्वायर 12 आना चाहिए तो 4 लिख देते हैं। ऐसा करते हैं 3x प्लस 4x दो भाग में इसको तोड़ दिया, 4 3 12 बराबर आ गया, ठीक है, 4x प्लस 4। अभी दोनों में कॉमन लो, 3x कॉमन हो गया x प्लस 1, ये दोनों में कॉमन लो प्लस 4x प्लस 1। अब क्या बचा? कॉमन ले लिए x प्लस 1 3x प्लस 4, क्लियर। अब देखिए हम लोग को निकालना है एलसीएम तथा एचसीएफ, ठीक है। इतना दूर करने के बाद आसान हो गया काम। देखो अब एलसीएम निकालेंगे, देयरफॉर एलसीएम जो हो जाएगा, समझिए थोड़ा ध्यान दो। एलसीएम क्या बताया? ज्यादा पावर वाला होता है। तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है कहीं पे? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 पावर है, क्लियर। तो ज्यादा पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कंसीडर कर लिए। आगे बढ़ते हैं, एक्स माइनस 2 दिखा यहाँ पे, उसको भी लिख देते हैं। यहाँ पे क्या दिखा? 3x प्लस 4, इसको भी लिख देते हैं। एलसीएम हो गया इतना, क्लियर। एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ में तीनों में जो मिल रहा है उसको लिया जाता है कम पावर वाला। एक्स प्लस 1 के पावर 2 है, यहाँ कुछ है तो 1 है, यहाँ भी क्या 1 है, तो आ जाएगा एक्स प्लस 1। इसी तरह आंसर आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। लाइक शेयर भी करते रहिए, ठीक है। चलिए राइट डाउन करिए, तब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। लिख लिए, अब दूसरा सवाल देखिए। आप लोग अलग से लिखिएगा। दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना है हम लोग को, ठीक है ना। इरेज कर दिया जाए, चलिए चलो देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, इसको पहले फैक्टराइज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। नीचे कर रहे हैं समझो, एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2x, ठीक है, आ गया। मल्टीप्लाई करने पे इसके इसके प्रोडक्ट फैक्टराइज कर रहे हैं, दोनों में कॉमन ले लो एक्स एक्स प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लो एक्स प्लस 3, ठीक है। जो भी कमजोर छात्र हैं उनको डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना।
वीडियो को देखिए एकदम बेसिक से हाई लेवल तक ले जाया जाता है, ठीक है। आपका क्यूट सा चैनल अभियंता मैथ्स में, इसलिए वीडियो को क्या है पूरा देखो। x प्लस थ्री कॉमन हो गया, x माइनस टू, और कहीं पे कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए आगे, इसका कर लिए हम लोग, दूसरा टर्म क्या करते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, समझो यहाँ एट थ्री जा फोर थ्री या ट्वेल्व है, ठीक है ना, तो माइनस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स लिख देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, बीच वाला आ गया मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इसके बराबर आना चाहिए, कॉमन लो इसमें से थ्री एक्स कॉमन, एक्स माइनस टू बच गया, इसमें से ले लो माइनस टू तो एक्स माइनस टू बच गया, अब इधर कॉमन ले लो एक्स माइनस टू, थ्री एक्स माइनस टू हो गया, क्या हो गया थ्री एक्स माइनस टू। अब एक और टर्म बचा उसका भी हम लोग निकाल लेते हैं, है ना, देखो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस टू का होल स्क्वायर, देखो ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूट गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। फैक्टराइज भी करेंगे कितना ही आएगा, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, बस अब कुछ करना ही नहीं, अब हम लोग को क्या निकालना है, देयरफॉर एलसीएम निकालिए, एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे आके एक्स प्लस थ्री दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा तो उसको लिख देंगे एक्स प्लस थ्री हो गया, एक्स माइनस टू यहाँ है वहां पे है तो ज्यादा पावर वाला एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर कंसिडर कर लें। अब यहाँ थ्री एक्स माइनस टू बच गया, ये क्या है बच गया, इसको भी लिख देंगे थ्री एक्स माइनस टू, ये पूरा एक एलसीएम आ गया, पूरा क्या हो गया एलसीएम हो गया, और इसी का हम लोग एंड एलसीएफ निकालेंगे, समझिए तीनों में मिलना चाहिए तो एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, अब कम पावर यहाँ ले लो तो यहाँ वाला ले लो यानी एक्स माइनस टू हो गया, क्या हो गया एक्स माइनस टू पे पावर वन, वन को नहीं लिखा जाता। आई होप वीडियो अच्छा लग रहा होगा, चलिए राइट डाउन करिए। एक और सवाल हम लोग देखते हैं, तीसरा सवाल, आप लोग अलग से लिखिएगा उसी में नहीं करना है। तीसरा सवाल है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट हो गया, और तीसरा जो टर्म है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टू, ना का एलसीएम तथा एचसीएफ कैलकुलेट करना है हम लोग को, इरेज कर दिया जाए। अब पहला टर्म देखेंगे हम लोग, इसका फैक्टराइज कर लो, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स सिक्स टू जा ट्वेल्व यानी फोर और थ्री करेंगे तब माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस सिक्स, ठीक है ना, फैक्टराइज कर रहे हैं, टू एक्स कॉमन ले लो, यहाँ से एक्स माइनस टू बन जाएगा, यहाँ पे क्या करोगे थ्री कॉमन लो एक्स माइनस टू, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू दिख रहा है यहाँ यहाँ कॉमन, यहाँ से टू एक्स प्लस थ्री हो गया, क्लियर। अब अगला जो टर्म है दूसरा टर्म एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट, इसको फैक्टोराइज करो, एक्स स्क्वायर एट है ना, क्या करेंगे फोर एक्स माइनस टू एक्स कर देंगे। अब देखो ये दोनों में से कॉमन ले लो, क्या मिल रहा है एक्स, तो एक्स प्लस फोर हो गया, ये दोनों में क्या मिल रहा है माइनस टू, तो एक्स प्लस फोर हो गया। अब देखिए दोनों में मिल रहा है एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस टू, यहाँ वाला माइनस टू लिखा जाता है। अब एक और बच गया टर्म, उसको हम लोग करते हैं कैलकुलेट, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टू, आई होप टू थ्री जा सिक्स हो गया, यानी थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है, थ्री एक्स कॉमन ले लो दोनों में, क्या बच जाएगा एक्स माइनस टू, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है तो वन को कॉमन लीजिए एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू को बाहर निकालिए यहाँ से, यहाँ हो गया।
अब क्या करेंगे हम लोग, 3x-1 को रख लिए। इस तरह हम लोग तीनों पार्ट को सेपरेटली कैलकुलेट कर लिए है ना। अब देखेंगे हम लोग, अब काम हम लोग का आसान हो जाता है। एलसीएम क्या होगा, x-2 देखिए, और कहीं दिख रहा है, यहाँ भी है यहाँ भी। अब पावर ज्यादा वाला लेते हैं, एक ही दिख रहा है इसी को ले लिए ठीक। अब 2x+3 यहाँ है और कहीं नहीं है, उसको भी लेना है। जो मिलता है उसको भी लिया जाता है, जो नहीं मिलता है उसको भी ठीक है। 2x+3 ले लिए हम लोग। अब आ जाइए इधर, x+4 है नहीं है, इसको भी लेंगे x+4। अब देखिए x+4 हो गया, अब यहां से 3x-1 भी बच गया है, इसको भी छोड़ेंगे। ले लिए एचसीएफ, देखिए इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो तीनों में जो मिल रहा है x-2 x-2 x-2, दिस इज द आंसर ठीक है ना। तीनों में जो मिलता है वही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, एचसीएफ ठीक है। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करते रहिए ठीक है ना, और वीडियो को पूरा देखिए ठीक है। लेक्चर 3 हम लोग देखें, कल अपलोड डेट होगा ठीक है ना, कौन सा चौथा लेक्चर होगा एलसीएम एचसीएफ का ठीक है ना। कुछ और हम लोग सवाल देखेंगे, क्या क्या हम लोग देख लिए हैं सो थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ देख लिए हम लोग, फिर डेसिमल का देख लिए हम लोग एलसीएम, और आज देखे हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन रहता है उस तरह का, और एक और देखे थे पावर, जैसे एक्स पे पावर 2, 3, 4, 5 इस तरह से है, उसका हम लोग किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं ठीक है ना। तो वीडियो को क्या है पूरा देखना है और शेयर भी करते रहना है ठीक है ना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।